इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे थामेंगे बीजेपी का दामन। बीजेपी ने दिए संकेत, बड़ी सियासी सरगर्मी। जानिए इंदिरा के तीसरे बेटे को कांग्रेस से किस बात की है नाराजगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी को अलविदा कहने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 19 फरवरी का दिन अहम माना जा रहा है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल से कांग्रेस का सिंबल हटा दिया है। आपको बता दें कि कमलनाथ को गांधी परिवार का काफी करीबी कहा जाता है। करीबी ही नहीं बल्कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक कहा जाता है। कमलनाथ के इंदिरा गांधी के तीसरा बेटा होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। यह सब उसी मध्य प्रदेश में हुआ था जहां के कमलनाथ है। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी जीवित थी उस समय छिंदवाड़ा में आयोजित एक चुनावी सभा में कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहा था। कमलनाथ की पहचान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काफी करीबी रही, लेकिन अब वही कमलनाथ कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। बात 80 के दशक की है। 13 दिसंबर 1980 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में चुनावी सभा के दौरान मंच सजा हुआ था। इस दौरान केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी होने की कोशिश में थी। सभा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी युवा उद्यमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं, राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं। उस दौरान पहली बार कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी उनके लिए प्रचार करने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंची थी। कमलनाथ उसके बाद छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद बने। तब से लगातार 2018 तक 9वीं बार छिंदवाड़ा से ही सांसद बनते रहे। जब तक इंदिरा गांधी जीवित रहीं, उन्हें माँ ही कहते रहे। हालांकि अब उनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी से रिश्ते मधुर नहीं रहने की बातें कही जा रही है। मध्य प्रदेश राजनीति गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। शनिवार को कमलनाथ दिल्ली गए। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कमलनाथ बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि कमलनाथ 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर थे जिसे रद्द कर अचानक दिल्ली दौरा तय हो गया। उनके 19 फरवरी को भाजपा का दामन थामने की उम्मीद है। इसके पहले कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया। इससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि वे अब जल्द ही कांग्रेस छोड़ने की आधिकारिक घोषणा करेंगे। कुछ दिन पूर्व कमलनाथ से जब यह सवाल पूछा गया था क्या वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। इस बीच शनिवार को जब फिर से दिल्ली में यही सवाल उसने किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वे सबसे पहले मीडिया को इसकी जानकारी देंगे। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को सदन में चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कमल से प्यार का इजहार किया जाता है और कमलनाथ यहां बैठे हैं। ऐसे में कमलनाथ को लेकर बीजेपी के नेता भी नजदीकी बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और पौत्र वरुण गांधी पहले ही भाजपा में आ चुके हैं। मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों ही लोकसभा सांसद हैं। अब कमलनाथ जो इंदिरा के तीसरे बेटे के तौर पर पहचान बनाए रखे उनके भी भाजपा में आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब राजनीतिक पंडितों की नजर 19 फरवरी पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड।